पीछे मुड़ो एंड डेरा मतलब इसका नाम नंपा है, डेरा हमारा ब्लीज का नाम है। फोटोग्राफी दोनों कैसे बैठा हुआ और कैसे एक करा है। और जनमन जरा पलट तो इधर, मैं पलट नहीं सकता। क्या मैं पलट नहीं सकता? बहुत शर्म आ रही है। देख रहे हो ना आप, ये पता है किसका है? इसका कपड़े में नहीं तो कपड़े में। तीसरा दिन है, ईटानगर में मैं रहती हूँ, तो मैं जा रही हूँ पापू नाला जो नाहरलगन के नियर बाई है, तो वहाँ मुझे इनवाइट किया गया है। इंद्रा दांगो जी है, उस वो फैशन डिजाइनर है हमारे यहाँ अरुणाचल का, और कुछ कपड़े हैं जो डिज़ाइन करने हैं मेरे लिए। यहाँ से अभी फिर मेरे को निकलना पड़ेगा इंद्रा जी के लोकेशन में, और वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों बहुत टाइट हो चुकी हूँ, बहुत हालत ख़राब है मेरा, बहुत मेरी ऐसे यहाँ फैमिली मेम्बर्स है जो मेरे कज़न्स है, सॉरी मैं आप लोग के घर पर नहीं आ पाई हूँ बिकॉज़ अभी मेरा कल मुझे निकलना पड़ेगा। जिसके घर पर मैं नहीं आ पाई हूँ, मेरे कज़न सिस्टर जितने भी मेरा आंटी है, जितने भी अंकल्स है, जीजा है, सबको आई एम सो सॉरी दिल से, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है जिसको मैं नहीं मिल पाई, मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। बिकॉज़ मैं यहाँ कंटिन्यूसली मुझे इनवाइट किया जा रहा है लंच के लिए, डिनर के लिए, तो उसमें मैं बिजी थी, और जिससे मेरा बात नहीं हो पाया या जिससे मैं नहीं मिल पाई। मैं दिसंबर को मैं पक्का आने वाली हूँ, तो डेफिनेटली तब मिलेंगे, लेकिन इस टाइम के लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। एंड मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, आफ्टर रेडी के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, सो लेट्स कंटिन्यू। फालतू इंसान, उसको कैमरे से ना थोड़ा एलर्जी है मेरे बड़े भाई को। इतना क्यों शर्माते हो? और जनमन जरा पलट तो इधर, और जनमन जरा पलट तो इधर। मैं पलट नहीं सकता। क्या मैं पलट नहीं सकता? बहुत शर्म आ रही है। कहाँ से लेके आए? मेरा दोस्त कहा तो दोस्त आप देख सक रहे हो। सो ये हमने मोमोज, मेरे भाई छोटे भाई ने इसको लेके आया मोमोज, यू कैन सी ये हमारे अरुणाचल मोमोज और बाहर के मोमोज देखने में तो सेम ही है, बट टेस्ट इसका थोड़ा फर्क है। और यू कैन सी दिस इज सेजवान चटनी। ये पीछे जर्सी देख रहे हो ना आप, ये पता है किसका है? इसका कपड़े में नहीं तो कपड़े में नहीं तो क्या काम करता है? हो गया ना, देखो टीशर्ट में लगा दिया, करो करो ना। आ मेरा लाइव कोरोना वीडियो प्राइस वाइज ही हो गया रे बाबा, आ खान में लग गया पूरा। क्या तुमने एक्टिंग किया? कपड़ा नहीं नहीं क्या वीडियो हो रहा? क्या एक्टिंग किया रे? हाँ क्या बोले तो मैंने अभी वो जर्सी किसका है? अच्छा हाँ, ये जो जर्सी है मेरे भाई का है, मेरे छोटे भाई है। इसको ना फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, और मतलब इसको स्पोर्ट पे बहुत इंटरेस्ट है, सो इसने पूरा हैंगर के साथ ऐसे चिपका के रखा हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऐसा अपने बेड के ऊपर ऐसा चिपकाया हुआ है, देख लुकिंग सो फनी, बट फिर भी कोई ना छोटे भाई इसलिए कुछ नहीं बोलती हूँ। कैसा है मोमोस? बहुत बढ़िया। और मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे जो बड़े भाई है ना जो मेरे बड़े भाई है उसको बहुत कैमरे से मतलब थोड़ा वो है, नहीं अनकम्फर्टेबल है, बट मैं थोड़ी फन वे में ले रही हूँ, बट सीरियस बात है, कोई ना बट फिर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग के लिए जस्ट फॉर फन। ओके देखो यहाँ पीछे फुटबॉल खेल के आए हैं, यू कैन सी शीट यार, जर्सी देखो पीछे मुड़ो एंड डेरा मतलब इसका नाम नंपा है, डेरा हमारा ब्लीच का नाम है। ये आप देख सकते हो
ये पे कॉल बज रहा है, नाम क्या लिखा है, कुत्ता जे। ये मेरे छोटा भाई का फोन है। देख इसका वॉलपेपर भी क्या रखा हुआ है, देख ये मेरे ना भाई का है फोन, उसका ना फ्रेंड का नाम जे होगा सर, उसका कुत्ता जे रखा हुआ है ना। जितना भी इसने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है इसी ने ही किया है। तो मैं आपको डेमो दिखाना चाहूंगी यहाँ का। तो एक्चुअली हमको बहुत पहले से आपके लिए कुछ बनाना था, जो कि हम वेट कर रहा था ये मोमेंट का, ये एक सही टाइम का जो कि मेरा आपको मिला है। हम जो कहते कल हम लोग मिला जी है, हाँ हाँ। तो इसी दौरान से हम आपको फिर से दोबारा याद दिलाए कि आपको आना था बोल के, ये लास्ट टाइम भी हम लोग ने बात किया था लास्ट ईयर। तो ठीक है, तो आपका जो आप जो कहते हैं परफॉर्मेंस करते हैं उसके लिए हम मेरा एक कलेक्शन आपको बना के जी जी करेगा जी। थैंक यू सो मच। तो सो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ का थोड़ा डेमो, ठीक है। ये जो इसी ट्राइब का है ये तो ऊपर उसी का पोमो जो बोलता है, हाँ, पोमो का है, हाँ। ट्राइबल लोग शेरवानी स्टाइल में पहनने का होंगे, हाँ। और ये थोड़ा ये जो निशी का है ये भी लेडीज का है, ये भी निशी का है। तो ये जो तागिन का है, तागिन का हाफ कोट, हाफ कोट कर दिया इसको, ये जो पूरा कोट स्टाइल में होके हम लोग तागिन का ये वाला पहना। और ये गालो ट्राइब का, गालो का ना क्यूट बनाया रे बाबा, गालों का ये बच्चा का ना, ये हल्के हाँ। और इसका बैक साइड देख सकते हैं, ये इसको हम अभी तक नहीं डाला इंस्टा में, अच्छा इसके हल्क लिखा हुआ है ना, हाँ। तो बच्चा लोग पसंद करता है, वैसे ही स्पाइडरमैन वाला भी है ना, कितना अच्छा बनाया है। स्पाइडरमैन का प्योर खादी का है, खादी प्योर खादी का, ये निशी का है, ये जो निशी का पैटर्न डाला हुआ है, हाँ। और ये प्योर खादी है, और ये हम लोग का भोपा बोलते हैं निशी में, अच्छा जो पहनता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो भोपा है, कुर्ती है क्या, कुर्ती, अच्छा जो कि वहाँ में भी लगा के रखा हुआ था, हाँ हाँ। ये इसका समर में पहनने के लिए समर वेयर हिसाब से बनाया है, ये ओवरकोट है, हाँ ये भी जेंट्स का है, ये भी जेंट्स का दिख, ये निशी टाइप का है ये ना, बहुत अच्छा पैटर्न है, लवली। इफ यू वॉन्ट कुछ नया, कुछ यूनिक और कुछ अच्छा अगर आपको चाहिए ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम हमारे अरुणाचल के, सो प्लीज़ आप यहाँ विजिट करिएगा, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है मिली इंदिरा दम्बुजी का, और आप यहाँ आ सकते हो। ये लोकेशन आपको पड़ेगा पप्पूनाला, प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा नियर बाई कहाँ है प्लीज़। ये जो ईटानगर से आते समय में डीडी ग्राउंड को जस्ट डीडी ग्राउंड का क्रॉस करना है, क्रॉस करने से आपको मिलेगा लेजी वाइन फैक्ट्री का सामने में है, उसको बोलता है पप्पूनाला 2 किलो, जो लेजी वाइन फैक्ट्री का जस्ट सामने में है, इसका बुटीक का नाम है इंदिरा। इंस्टाग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हो मिली इंदिरा दांगो, अगर आप सर्च करोगे तो आपको इसका बुटीक का आपको लोकेशन भी मिल जाएगा, आपको इसका बुटीक का भी सारा चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ वीडियोस में दिखा रही हूँ तो आप लोग को इतना नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत छोटा छोटा है। अगर आप इसके प्रोफाइल पे जाके इसको आप मैसेज करोगे या डेफिनेटली ये रिप्लाई करेगी आप लोग का मैसेज का, और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली वहाँ नंबर्स भी दिया होगा या मैसेज करेगा तो ये आंसर मिल जाएगा। और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ बिकॉज मिली इंदिरा जी आज मेरा नाप लेने वाली है, मेरा जो परफॉर्मेंस की ड्रेसेस होती है
अभी दो चार ड्रेसेस ये डिज़ाइन करने वाली है, और जिस दिन डिज़ाइन करेगा और मैं कल मैं रिटर्न जा रही हूँ वापस अरुणाचल से बाहर जहाँ मैं काम करती हूँ, और मिली इंद्रा जी मुझे कॉर्डिनेट कर देगा जब मेरा कॉस्ट्यूम रेडी हो जाएगा, तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाना चाहूँगी। बुटीक का ये बैक साइड में क्या है, प्लीज कम। यहाँ सब काम चालू है, यू कैन सी, आप देख सकते हो ये काम इसका चालू है बहन का। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मेरे बड़े भाई का अवार्ड है, नाम क्यों दे रहा था मी, यू कैन सी। और हमारे जो और भी बहुत सारे अवार्ड है, लेकिन वो दापोरी जो में है, मम्मी पापा लेके गए घर पे, बहुत सारे, बहुत बहुत। और ये भगवान के और ये बुद्ध भगवान के वो हैं मूर्तियाँ, यू कैन सी बुद्ध भगवान का मूर्तियाँ। और ये प्लांट्स रियल है, कितना सारा प्लांट्स डाला हुआ है घर पे। दोस्तों मैं अभी वापस रिटर्न जा रही हूँ, अब मेरा सामान पैकिंग हो रहा है, ये पर्स है, ये वो, एंड पावर बैंक चार्ज है, ये आईपैड है, सो अभी सब मैं रेडी कर रही हूँ। आप ये देख सकते हो सामान वामान सब मैंने पैकिंग कर लिया, चप्पल वप्पल। और ये मैं पहनने वाली हूँ, क्यूट है ना चप्पल। अच्छा सॉरी, इसका प्राइस तक मैंने निकाला नहीं है, अभी तक निकालना पड़ेगा। आईफोन बराबर था लगा ताई आई अब भी क्या। अच्छा अच्छा ये ज्यादा हो गया, देखो फोटोग्राफी दोनों कैसे बैठा हुआ है और कैसे एक करा है, मत ही लो रे, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या रुको मत ही लो आप, यहां फोटो सेशन चल रहा है पूरा, सुंदर लग रहा है क्या। ये जो बनाया है ये बैम्बू से बनाया गया है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ अभी मैं दो चार फोटो लेने वाली हूँ। हम पहुँच गए हैं धोनी पोलो एयरपोर्ट, यू कैन सी। और यहाँ से अभी मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर जाके मैं आप से मिलती हूँ, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है। चल ठीक है, बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है, ध्यान रखना अपना, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और ये जो घर है ये बैम्बू से बनाया हुआ होता, मतलब ये बैम्बू का घर बनाया होता हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल होम, बट इसको यहाँ पेंट किया गया है, यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल है। एनिमल में ये आते हैं, बर्ड में ये आते हैं, ब्यूटीफुल ड्रॉ किया है। जो हाथी मिर्चा है वो मैंने लगेज में नहीं डाला हुआ था, वो मैं एक्चुअली हैंड में लेके मैं आ रही थी, तो यहाँ भी चेकिंग के दौरान बोला कि अलाउ नहीं है, सो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं ज़रूर बैग में लगेज में डाल के लेके जाऊँगी। बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो गई है। नमस्कार, कृपया अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बोर्ड्स में और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें। रो एक
और आपातकालीन निकास वाली रो में बैठे यात्री अपने बैग्स ओवरहेड बिन्स में ही रखें। उपलब्ध जलपान का चयन करने के लिए कृपया हेलो सिक्सी मैगजीन में हमारा मेन्यू देखें या अपने ई बोर्डिंग पास पे QR कोड को स्कैन करें। हमारी सेवा टेक ऑफ के बाद शुरू होगी। जलपान का चयन तैयार रखने पर हम आपकी सेवा जल्द से जल्द कर पाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूं, मैं गाड़ी पे बैठ चुकी हूँ और रूम पे मिलती हूँ आप लोगों को। ठीक है, घर पहुंच गई हूँ और मैं अभी फ्रेश अप हो जाऊंगी और सीधा सो जाऊंगी बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। सो बाय बाय।